हाय, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपको एक इंग्लिश का बेसिक क्लास देने जा रहा हूँ। और ये जो क्लास होगा ये बेसिकली उन बच्चों के लिए होगा जो थोड़े से वीक हैं। और आज की जो क्लास होने वाली है ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो क्लास सिक्स में हो, चाहे वो क्लास सेवन्थ में हो, चाहे वो क्लास एट्थ में हो, चाहे क्लास नाइन्थ में हो। ये उन बच्चों के लिए भी हेल्पफुल होगा जो बच्चे पहले से किसकी तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। सो अब मैं आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं इस लेक्चर को स्टार्ट करने जा रहा हूं। बट एक बात याद रखना, जब भी आप इस लेक्चर को देखना तो पूरी तरीके से अटेंटिव होके देखना। मीन्स आपका जो कंसंट्रेशन है वो पूरी तरीके से कहां होना चाहिए, इस लेक्चर पे होना चाहिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। अब इसमें हम एक चीज देखते हैं कि एक्चुअली में ये इंग्लिश है क्या। सो जैसे आपको पता है कि हिंदी, जर्मन, जैपनीज, दीज आर लैंग्वेजेस। सो सेम जो आपका इंग्लिश है ना, ये भी एक क्या है, लैंग्वेज है। क्या है, लैंग्वेज है। और जब आप कोई लैंग्वेज सीखते हो तो इस लैंग्वेज को सीखते समय हमें कुछ बेसिक एलिमेंट्स का नॉलेज होना चाहिए। और आज मैं आप लोगों को वही बेसिक एलिमेंट बताने जा रहा हूं। सो अब हम बात करते हैं इस लैंग्वेज के बेसिक एलिमेंट्स की। किसकी, बेसिक एलिमेंट्स की। सो इसके जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं ना, उसमें सबसे पहला जो एलिमेंट्स है वो है आपका, हाँ आप लोगों को पता होगा तो ट्राई करो बताने का। बताओ बच्चों, कोशिश करो बताने का। हाँ बिल्कुल सही है, पहला जो बेसिक एलिमेंट है वो है आपका क्या, अल्फाबेट। क्या है, अल्फाबेट। अब ये अल्फाबेट क्या होता है, ये एक्चुअली में ए टू जेड जो आप लेटर्स लिखते हो ना, तो इनका जो ग्रुप होता है, क्या ए टू जेड जो पूरा ग्रुप होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं। और इन्हीं को एक नाम से और भी हम जानते हैं जिसको आपने बहुत सुना होगा, लेटर्स। क्या, लेटर्स। सो ये लेटर्स कितने होते हैं, मीन्स अल्फाबेट कितने होते हैं, 26। कितने होते हैं, 26। अब इस अल्फाबेट के भी कुछ क्या है, बेसिक एलिमेंट्स हैं। मींस ये जो आपके 26 लेटर्स है ना, इनके भी कुछ क्या है, बेसिक एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले काम करते हैं इन लेटर्स को देख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, फिर मैंने लिखा L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z। I hope ये आपको पता होगा। हाँ, ये सारे बच्चों को पता है, बहुत ही बेसिक चीज है। अब इसमें ध्यान से देखो, ये टोटल क्या है, लेटर्स हैं। और यहां से ए से लेके जेड तक का जो इनका ग्रुप बन रहा है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, अल्फाबेट बोल रहे हैं। अब ये जो लेटर्स है ना, इनके अंदर कुछ ना कुछ क्या है, क्वालिटी है। तो वही चीज हम देखने जा रहे हैं कि मीन्स अल्फाबेट जो होते हैं ना, इनके अंदर कौन सी क्वालिटी होती है, मीन्स इनके अंदर कौन से वो बेसिक एलिमेंट होते हैं। तो ध्यान से देखना, जो अल्फाबेट है ना, इसको बेसिकली हम थ्री पार्ट्स में क्या करते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं। इसमें पहला जो है वो आपका क्या है, वाउल है। सेकंड इसमें क्या है, कॉन्सनेंट है। और थर्ड इसमें जो है आपका, सेमी वाउल। ओके, पहला हो गया वाउल, सेकंड हो गया कॉन्सनेंट, एंड थर्ड वन इज सेमी वाउल। वाउल कितने होते हैं, सभी बच्चों को पता है,
एक होता ए ई आई ओ यू, टोटल कितना हो गया? हाँ वेरी गुड, 5। रिमेनिंग 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। अब बात आती है आपकी यहां पे सेमी। तो देखो सेमी वाउल को पढ़ने से पहले आप यहां पे एक टर्म समझो, सेमी का मतलब क्या होता है? सेमी का मतलब होता है हाफ। क्या होता है? हाफ। अब याद रखना, जब कोई अल्फाबेट कभी वो वाउल की तरह काम करे और कभी वो कॉन्सोनेंट की तरह काम करे, सो उसी को हम क्या नाम देते हैं बोलो? हाँ वेरी गुड, उसी को हम सेमी वाउल कहते हैं। आई बात समझ में? तो इसमें बेसिकली दो हैं, सेमी वाउल कितने हैं? देयर आर टू सेमी वाउल्स, फर्स्ट वन इज डब्ल्यू एंड सेकेंड वन इज वाई। ओके सो पहला मैंने क्या बोला? W एंड सेकेंड वन इज Y। अब आपके मन में एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि एक्चुअली में हम किस कंडीशन में इनको बोले कि ये वाउल है और किस कंडीशन में इनको हम माने कि ये क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो उसके लिए आपको एक चीज पता होना चाहिए, जब आप किसी वर्ड का फॉर्मेशन करते हो, व्हेनेवर यू फॉर्म्स एनी वर्ड, सो इन दैट केस यू नीड टू नो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दीज अल्फाबेट। ओके, तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो अल्फाबेट है उनका पोजीशन क्या होता है उस पर्टिकुलर वर्ड में। सो याद रखना, एक तो होता है इनका स्टार्टिंग में और सेकेंड कहाँ होता है? मिडिल में। और थर्ड कहाँ होता है? लास्ट में। कहाँ होता है बच्चों? लास्ट में। तो याद रखना, जब W और Y किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में होंगे ना, सो इनका जो फंक्शन होगा ना वो एज अ कॉन्सोनेंट होगा। कैसा होगा? एज अ कॉन्सोनेंट होगा। लेकिन जब ये किसी भी वर्ड के मिडिल में होंगे और लास्ट में होंगे तो इनका जो फंक्शन होगा ना ये ऐसा वाउल होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब एक काम करते हैं ना, इसको एग्जांपल के थ्रू प्रूफ करते हैं। मैंने एक टर्म्स लिखा वाई ई ए आर, बताओ ईयर या ईयर? नाउ टेल मी विच वन इज करेक्ट। हाँ बोलो यासी बेटा, बताओ इसमें कौन सा सही है? ये वाला सही है, ये वाला? हाँ वेरी गुड, यासी ने बिल्कुल सही बोला कि ये वाला सही है। अच्छा जब ये वाला सही है तो यहाँ पे जो वाई है ना ये किसकी तरह फंक्शन कर रहा है? एज अ कॉन्सोनेंट की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह? एज अ कॉन्सोनेंट की तरह काम कर रहा है। फिर मैंने एक टर्म्स लिखा, अगला मैंने एक टर्म्स लिखा वुमेन। अब इसमें ये W किसकी तरह काम कर रहा है? वा की तरह काम कर रहा है। तो यहां पे ये क्या है? यहां पे ये एज अ कॉन्सोनेंट की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह? एज अ कॉन्सोनेंट की तरह काम कर रहा है। लेकिन अगर हम एक दूसरा एग्जांपल देखें, जैसे मैंने एक टर्म्स लिखा ट्राई और फिर मैंने कुछ और लिखे क्राई और फिर मैंने और कुछ लिखा फ्राई और फिर मैंने एक टर्म्स लिखा पार। अब देखो जरा ध्यान से, यहां पे जो वाई है ना वो ई का साउंड दे रहा है। किसका साउंड दे रहा है? ई का। यहां पे जो वाई है ना इट्स साउंड इज ई। ऑल्सो यहां पे जो वाई है इसका साउंड क्या है? ई का। और यहां जो W है ना इसका साउंड क्या है? आ का। ट्राई क्राई फ्राई पार, पावर नहीं पार। अब आपने क्या देखा, यहां Y कॉन्सोनेंट है, यहां W कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहां पे जो ये Y है ये किसकी तरह काम कर रहे हैं? एज अ वाउल की तरह काम कर रहे हैं।
और यहाँ पे जो W है किसकी तरह काम कर रहा है, एज अ वॉल की तरह काम कर रहा है। तो आप ये कंडीशन देख सकते हो कि स्टार्टिंग में तो ये किसकी तरह काम कर रहे हैं, कॉन्सनेंट की तरह, लेकिन लास्ट में और मिडिल में किसकी तरह काम कर रहे हैं, एज अ वॉल की तरह। एक चीज याद रखना, जो आप वाउल की बात कर रहे हो ना, आपको हिंदी के वाउल्स देखने हैं और हिंदी के ही कॉन्सोनेंट्स देखने हैं, क्योंकि उन्हीं के अकॉर्डिंग ही हम आर्टिकल ए और एन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। सो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसके बाद अगले बेसिक एलिमेंट्स के की तरफ चलते हैं। सो अगला जो बेसिक एलिमेंट है, पहला हो गया आपका अल्फाबेट, सेकेंड जो है आपका बेटा वो है वर्ड। क्या है? वर्ड है। अब देखो वर्ड क्या होता है, बहुत ही बेसिक सा डेफिनेशन है, अ ग्रुप ऑफ अल्फाबेट विच मेक्स कंप्लीट सेंस। सिंपल सा डेफिनेशन है कि जो आपकी ये अल्फाबेट है ना, इनका आप क्या बना दो, ग्रुप बना दो। क्या बना दो? एक ग्रुप बना दो। और ग्रुप बनाने के बाद इनका एक क्या निकलना चाहिए, कंप्लीट सेंस निकलना चाहिए। उसी को ही हम क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे। ओके, देर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल रिगार्डिंग द वर्ड। योर नेम इज ऑल्सो अ वर्ड, आई माई नेम इज ऑल्सो अ वर्ड, वॉट आई एम यूजिंग दिस इज अ मार्कर, मार्कर इज ऑल्सो अ वर्ड, वेर यू आर वॉचिंग योर मोबाइल, मोबाइल इज ऑल्सो अ वर्ड। देर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल रिगार्डिंग वर्ड। सो नाउ वी कैन टेक सम एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, लाइक मोबाइल, सेकेंड योर नेम, हाँ व्हाट इज योर नेम बेटा, टेल मी, ओके यस राज, नाइस नेम यस राज, ओके सेकेंड यू कैन से दैट जील, ओके देर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल। सो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जिसका नाम क्या है, फ्रेज है। क्या नाम है? फ्रेज। अब आपको समझना है बेटा ये फ्रेज क्या होता है। सो इसका भी बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, आपको बोलना है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स That give partial meaning, partial meaning। देखो इसमें क्या दिया इन्होंने कि जो आपका फ्रेज होता है ना, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, मीन्स इन वर्ड्स, जो ये वर्ड का डेफिनेशन है ना, ऐसे आपको वर्ड्स मिलाने हैं और इनको मिलाने के बाद इसकी जो मीनिंग होगी ना वो कंप्लीट नहीं होगा। पार्शियल का मतलब क्या होता है, एक तरीके से आप बोल सकते हो पूरी तरीके से ना जो मीनिंग दे, समझ गए, जिसको आप बोलते हो हिंदी में आंशिक रूप से। कैसी मीनिंग? जो आंशिक रूप से मीनिंग दे, उसी को ही हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ध्यान से देखना, मैंने लिखा इन अ ब्यूटीफुल स्टाइल, मैंने क्या लिखा, इन अ ब्यूटीफुल स्टाइल। नाउ लुक हाउ मेनी वर्ड्स आर हियर, 1 2 3 4, देयर आर फोर वर्ड्स और इनका जो ग्रुप है ना ये आपका क्या बन रहा है, दिस इज अ फ्रेज। सेकेंड एग्जाम्पल यू कैन टेक अ बॉय, Now look, how many words are here? There are two words, 1, 2, okay? And this is a phrase. Why? Because it is a collection of words.
अब इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं, अबॉय का मतलब एक लड़का। अब एक लड़का वो किस टाइप का है, कहाँ पे है, क्या कर रहा है, ये हमें पता नहीं चल रहा। तो दैट्स व्हाई हम इसको बोल सकते हैं दिस इज अ फ्रेज दैट हैज इनकम्प्लीट मीनिंग और यू कैन से दैट पार्शियल मीनिंग। ओके, समझ में आया बेटा? रियली ओके बेटा, अगर आपको अच्छा लगा होगा ये सेशन तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब फ्रेज के बाद जो अगला टर्म्स आपको सीखना है वो सीखना है क्लॉज। क्या देखना है? क्लॉज। इसका बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है। इसमें आपको क्या करना है, आपको अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लेना है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड इट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसको आप बेटा देख लेना। ओके, अब देखो बहुत ही सिंपल सा यहां डेफिनेशन मैंने दिया क्लॉज। क्लॉज की जब हम बात करते हैं तो ध्यान से देखो, ये भी क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक क्या होगा, वर्ब होगा, और कहीं ना कहीं ये एक सेंटेंस का क्या होगा, हाँ क्या होगा, पार्ट होगा। क्या होगा? पार्ट होगा। उसी को हम क्या बोलेंगे, क्लॉज बोलेंगे। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो एक काम करिए, आप इसको पॉज करिए स्क्रीन को और आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद मैं इनका डेफिनेशन समझाने जा रहा हूं। आई होप आपने कर लिया होगा। मैं इसको रब कर रहा हूं यहां ऊपर से। याद रखना इंग्लिश बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, इसको बस पढ़ने का तरीका आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली में क्या होता है, हमें मेथड नहीं पता होता। अगर हमें मेथड पता होना किसी भी लैंग्वेज को सीखने का तो हम उस लैंग्वेज को बहुत ही अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हम लैंग्वेज को सीखने का मतलब मीन्स हमें लैंग्वेज का सीखने का तरीका नहीं पता होता है। हम चीज़ों को क्या करते हैं, क्रैम करते हैं, रखते हैं, तो उससे क्या होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो लैंग्वेज को जो सीखने का सबसे बेस्ट तरीका होता है वो मैं आपको बताऊंगा फर्दर क्लास में। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं किसका, क्लॉज का। ओके, सो मैं यहां लिख रहा हूं, मैंने लिखा ज्योति इज अ प्रॉपर नाउन व्हाइल गर्ल इज अ कॉमन नाउन। टेक वन मोर एग्जाम्पल, इफ इट रेन्स प्लांट विल ग्रो। नाउ लुक हियर, यहां से और यहां तक की हम बात करें, सो दिस इज अ सेंटेंस। यहां पे जो मैंने लिखा ये सेंटेंस है, क्या है बेटा, सेंटेंस है। इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है ज्योति और एक सब्जेक्ट क्या है, गर्ल। ओके, इस ज्योति का जो वर्ब है ना वो इज है, जिसको आप बोल सकते हो लिंकिंग वर्ब। यहां इस गर्ल का जो वर्ब है ना वो इज है, मींस एक सब्जेक्ट एक वर्ब यहां है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब यहां पे है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें व्हाइल की, तो व्हाइल क्या है, कंजंक्शन
क्या है कंजंक्शन। सो ये इसका एक पार्ट हो जाएगा और यहां से लेके यहां तक इसका ये एक पार्ट हो जाएगा। इसको आप एक क्लॉज बोल सकते हो और इसको भी आप क्या बोल सकते हो, एक क्लॉज बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, दिस इज अ क्लॉज एंड दिस इज ऑल्सो अ क्लॉज। ओके, सो ये भी क्या है, क्लॉज है। एंड ये जो दोनों क्लॉज है ना, ये मिलके एक क्या बना रहे हैं, सेंटेंस बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, सेंटेंस बना रहे हैं। सो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद अगर हम इस वाले सेंटेंस की बात करें, तो देखो यहां से और यहां तक ये क्या है, पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस है यहां से और यहां तक। इसमें एक सब्जेक्ट है इट और इसमें एक सब्जेक्ट है प्लांट। ओके, इफ इट रेन्स प्लांट विल ग्रो। सो एक सब्जेक्ट ये हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया। इस सब्जेक्ट का मेन वर्ब ये है और इस सब्जेक्ट का जो वर्ब है ना वो ये है। इसमें ये हेल्पिंग वर्ब है एंड दिस इज योर मेन वर्ब। सो आप ये बोल सकते हो कि ये यहां से यहां तक एक क्लॉज हो गया और यहां से और यहां तक ये पूरा एक क्या हो गया, एक सेकेंड क्लॉज हो गया। और ये दोनों क्लॉज मिलके क्या बना रहे हैं, सेंटेंस बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, सेंटेंस बना रहे हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट बेसिक एलिमेंट पर चलते हैं जिसका नाम है क्या, जिसकी आप तलाश में हैं, सेंटेंस। क्या, सेंटेंस। ओके, अब ये सेंटेंस क्या होता है, तो याद रखना सेंटेंस में अब आपको सारी खूबियां मिल जाएंगी। मींस इसका कंप्लीट मीनिंग होगा, ये कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होगा, इसके लास्ट में फुल स्टॉप होगा, लास्ट में इसके क्वेश्चन मार्क हो सकता है, लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क हो सकता है, और अगर इसमें कोई प्रॉपर नाउन दिया है तो उसका पहला लेटर कैपिटल होगा, और अगर आप सेंटेंस को बिगिन कर रहे हो तो उस केस में भी फर्स्ट लेटर उसका क्या होगा, कैपिटल ही होगा। तो आप इसको बोल सकते हो क्या, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस। देख लो ध्यान से, ये भी क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इसका भी मीनिंग कैसा है, कंप्लीट है। किसकी तरह, वर्ड की तरह। किसकी तरह, वर्ड की तरह। लेकिन वर्ड में तो अल्फाबेट का ग्रुप था और ये ग्रुप किसका है, वर्ड्स का ग्रुप है। नाउ टेक सम एग्जांपल, मैंने लिखा नेचर इज द वेस्ट फिजिशियन। अब इसको आप ध्यान से देखो, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, ये अपना क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बिल्कुल है। कंप्लीट सेंस है, बिल्कुल है। कंप्लीट सेंस है या नहीं है, इसके अलावा इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। आप देख सकते हो नेचर इसमें सब्जेक्ट है, इज इसमें क्या है, लिंकिंग वर्ब है, यहां से यहां तक पूरा क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। ओके, सो आप इसको बोल सकते हो कि ये सेंटेंस है और इसका पहला लेटर क्या है, कैपिटल भी, और लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप भी है। एक एग्जांपल और देखो जरा ध्यान से, मैंने लिखा लव चेंजेस अस, लव चेंजेस अस। अब इसको भी ध्यान से अगर आप देखें तो इसमें ये क्या है, सब्जेक्ट है, और चेंजेस इसमें क्या है, मेन वर्ब है, और अस इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, अस आपका ऑब्जेक्ट है। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वाकई में बहुत अच्छा लगा होगा तो आप एक काम करिएगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और कोशिश ये करिएगा किस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिएगा, ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले कि हाँ बेसिक क्लास इंग्लिश की क्या होती है। और अगर कोई एक बच्चा है जो इंग्लिश पढ़ता है तो उसे एटलीस्ट
ये जो है ना बेसिक नॉलेज उसे पता होना चाहिए। सो इसी के साथ बच्चों मैं क्लास को रिज्यूम करता हूँ। मे गॉड ब्लेस यू।